हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू पारा लीगल स्टडी फ्रेंड्स इग्नू में बी पी एस सी वन जीरो फाइव जो कोर्स है इंट्रोडक्शन टू कॉम्पेरेटिव गवर्नमेंट एंड द पॉलिटिक्स मैंने अपने अनुभव से पाया है कि ये स्टूडेंट्स के लिए लिटिल बिट डिफिकल्ट सब्जेक्ट है ये अब डिफिकल्ट क्यों है क्योंकि इसमें आपको थ्योरी पार्ट ज़्यादा है मीन्स सिंपल से हम बात करें जब कंपेरिजन करना होता है ना किसी भी चीज़ के बीच तो वहाँ पे हमें बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग करनी होती तभी हम चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं अगर सपोज़ हमें कंपेयर करना है द पॉलिटिकल फिनोमिना ऑफ द यू एस एंड द इंडिया के बीच अगर हम कंपैरिजन करना है तो हमें पहले वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ पे किस तरीके की आइडियोलॉजीज़ हैं कौन कौन सी तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सब स्टडी करना होगा तभी हम इंडियन और इंडियन को भी हमें स्टडी करना होगा तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे तो इसीलिए मैंने पाया कि ये जो कोर्स uh, है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि इसमें आपको डीप अंडरस्टैंडिंग पहले होना जरूरी है सब्जेक्ट की बट <coughs> मैं आपसे uh, बिल्कुल ये आपको अश्योर करता हूँ कि अगर आप लेक्चर ध्यान से सुनते हैं और जो भी मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा अगर आप उसको फॉलो करते हैं देन डेफिनेटली इट दिस सब्जेक्ट विल बी इजी फॉर यू ठीक है तो लेट्स स्टार्ट विद unit first that is the nature scope and utility of comparative study of politics friends i will deliver my lecture in bilingual language means both hindi and english because in our youtube channel we have two type of audience one particular students came from the northeast region and south, uh, south india and they are comfortable in english language and some other students are comfortable in hindi language so, I deliver my language in uh, both means, means in Hindi and English. So, let's start with the introduction part. That what is meant by the term comparative study? So, friends, comparative study of politics is all about the comparison, or we can say comparing political phenomena, and it's the main goal is to, to study the स सिमिलेरिटीज एंड डिफर डिफरेंसिस डिफरेंट पोलिटिकल एस्पेक्ट इन डिफरेंट सोसाइटीज तो सिंपल सी है कंपेरेटिव सिंपल वर्ड पे पहले हम चलते हैं दैट कंपेरेटिव स्टडी का मतलब भी क्या है तो ये कंपेरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स का मतलब है कि कंपैरिजन करना अब आप कंपैरिजन किसके बीच करोगे तो नाम ही सजेस्ट कर रहा है ना स्टडी ऑफ पोलिटिक्स इसका मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के जो अलग अलग पहलू होते हैं एस्पेक्ट होते हैं और वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें फॉलो की जाती हैं उन सब की कोई सिमिलरिटीज़ भी होंगी जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दो स्टार्टिंग में दिया यू और इंडिया तो सम कुछ सिमिलरिटीज़ भी होंगी और कुछ डिफरेंसिस भी होंगे तो सिमिलरिटीज़ एंड डिफ्रेंसिस को ही स्टडी करना और ये सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस ऑफ स्टडी किससे रिलेटेड पॉलिटिक्स से रिलेटेड he hai comparative study of politics Take it, basic hai that is the, uh, this is the basic definition uh, next is the comparative study of politics the nature and the scope so first uh, we have to study that comparison means the identification of the relationship according to the Famous thinker, political thinker Mohanty. He pointed out that comparative political analysis is not simply about identifying the similarities and differences. The purpose of using comparison is to be felt by several scholars, is to ultimately study political phenomena in the large framework of the relationship. and it would help deepen our understanding and broaden the level of answering and explaining the political phenomena। तो यहाँ पे जो मैंने आपको टॉपिक बताया कि टॉपिक हम पढ़ रहे हैं कंपेरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स नेचर एंड स्कोप तो उसमें सबसे पहले हमें समझना होगा कि comparison का मतलब ही है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिलेशनशिप इंट्रो में मैंने आपको बताया कि कंपेरेटिव स्टडीज ऑफ पॉलिटिक्स में हम सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसिस को देखते हैं अमंग डिफरेंट कंट्रीज बट मोहान्टी जो थिंकर हैं उन्होंने बोला है कि नहीं कंपेरिटिव पॉलिटिक्स एनालिसिस में सिर्फ आप अगर आइडेंटिफाई करेंगे कि दीज आर दिमिलरिटीज एंड दीज आर द डिफरेंसिस तो ये सही डेफिनेशन नहीं है ये डेफिनेशन है सिंपल से हम बात करें कि इनकम्प्लीट डेफिनेशन है सो so, Mohanty और कुछ अदर जो स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि कंपैरिजन स्टडी ऑफ या कंपैरेटिव जो पॉलिटिक्स है उसका मतलब भी है दैट द अल्टीमेटली स्टडीज द पॉलिटिकल फिनोमेना इन द लार्ज फ्रेमवर्क कि आपको उसको बड़े वे में बड़े लेवल पे लार्ज पिक्चर के रूप में आप उसको देखना होगा सिंपल सी बात है कि सिर्फ अगर मान लो मैं आपसे कहूँ कि ये कंप यूएसए और इंडियन मॉडल में ये सिमिलरिटीज़ हैं डैश 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 ऐसे पॉइंट में कह रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ ये डिसिमिलरिटीज़ हैं तो सिर्फ ऐसे जो हम स्टडी अगर करेंगे तो ये हमारा इनकम्प्लीट स्टडी होगा वो कह रहे हैं हमें ये भी देखना होगा कि जो सिमिलरिटीज़ हैं वो क्यों हैं डिफरेंसेस हैं वो क्यों हैं सो ब्रॉड वे में हमें जो रिलेशनशिप है हमें लार्ज फ्रेमवर्क में चीज़ों को देखना होगा और लार्ज जो फ्रेमवर्क हैं और उससे रिलेटेड जो व्यूज़ uh, हैं जैसे कल्चर पार्ट हम देखेंगे रिलीजन एस्पेक्ट हम देखेंगे सोसाइटी सोशल पार्ट हम देखेंगे लाइफ हम देखेंगे एंड वेरियस अदर जो uh, चीज़ें हैं उन सब को भी हम एनालिसिस करेंगे तब हम एक फाइनली किसी प्रॉपर एक कंक्लूजन uh, पे पहुंचेंगे तो यही है कंपैरिजन का मतलब द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिलेशनशिप अमंग द डिफरेंस थिंग अलग अलग जो थिंग है उनके बीच रिलेशनशिप क्या है उसको आइडेंटिफाई करना है कंपैरिजन ठीक है सॉरी फ्रेंड्स नेक्स्ट है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड द कंपैरेटिव गवर्नमेंट सो फर्स्ट वी हैव टू डिफ्रेंशिएट दैट व्हाट इज द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड व्हाट इज द कंपैरेटिव गवर्नमेंट सो फ्रेंड्स कंपेरेटिव पॉलिटिक्स इज ए टर्म विच मीन्स टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोर देन वन नेशन स्टेट ठीक है कि कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में क्या होता है कि हम पॉलिटिकल <coughs> अंडरस्टैंडिंग करते हैं या हम स्टडी करते हैं पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग की दो या दो से ज्यादा नेशन के बीच और इसमें देर आर टू मेन अप्रोचेज टू द कंपेरेटिव पोलिटिक्स क्रॉस नेशनल अप्रोच एंड अदर एरियल स्टडी अप्रोच तो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में स्टडी करते हैं दो या दो से ज्यादा नेशन के बीच तो कंपेरेटिव जो पॉलिटिक्स की हम स्टडी करते हैं तो उसी में फर्दर दो अप्रोच आते हैं एक है क्रॉस नेशनल अप्रोच और एक है आपकी एरियल स्टडी अप्रोच तो क्रॉस नेशनल नाम से ही समझ आ रहा है दैट सॉरी <coughs> <coughs> नाम से ही समझ आ रहा है दैट इसमें क्या है लार्ज नंबर ऑफ नेशन जो स्टेट हैं उन सब की हम वाइडर डीपर स्टडी करेंगे उनकी थ्योरीज की उनकी अप्लीकेशनस की क्रॉस नेशनल में लेकिन जब हम बात करते हैं एरियल स्टडीज़ की तो उसमें क्या है कि एक पर्टिकुलर कोई एरिया है जैसे इंडिया तो उसके अंदर ही हम डिफरेंट स्टेट को स्टडी करेंगे इट्स वेरी सिंपल कंपेरेटिव जो पॉलिटिक्स जो मैंने बताया उसमें क्या है कि हम स्टडी ऑफ पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग करते हैं दो या दो से ज़्यादा नेशंस के बीच और उसको फर्दर हम दो अप्रोच में बांटते हैं एक क्रॉस नेशनल अप्रोच है जो डिफरेंट अलग अलग कंट्रीज़ के बीच स्टडी कराएगा उनके पॉलिटिकल एंगल्स उनके पॉलिटिकल जो डिफरेंट व्यूज़ हैं उन सब को और जो एरियल स्टडी है वो नाम से ही समझ आ रहा है कि वो किसी पोलिटिकुलर पॉलिटिकल uh, टेरिटरी को उठाएगा किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को उठाएगा और उसमें फिर अलग अलग जो रीजन है अलग अलग जो क्षेत्र हैं जैसे इंडिया है तो इंडिया में अलग अलग राजस्थान है गुजरात है साउथ इंडिया में वेरियस स्टेट हैं नॉर्थ ईस्टर्न में स्टेट है तो उनके बीच जो स्टडी कराना तो कंपेरेटिव जो पॉलिटिक्स है उसमें दो अप्रोच मैंने बताई क्रॉस नेशनल एंड द एरियल स्टडी अप्रोच नेक्स्ट है कि कंपेरेटिव uh, फिर गवर्नमेंट का क्या मतलब है the comparative governments is a subdivision of the uh, politics in which we systematically study analysis and compare the nature of the government in the number of selected countries you know to तो comparative government ka matlab hai ki government ki study karna usko analysis karna और different जो government है अलग अलग देशों में जो government है उन सब को compare कराना अगर इसको ओवरऑल हम डिफरेंस में अगर उसको करें दैट कम्पेरेटिव पॉलिटिक्स और कंपेरेटिव गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है अगर एक के लाइन में जोड़ते चलें तो वो है कि कंपेरेटिव पॉलिटिक्स वाइडर टर्म है और कंपेरेटिव गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी सी छोटी टर्म है क्यों क्योंकि कंपेरेटिव गवर्नमेंट में सिर्फ आप गवर्नमेंट को कंपेयर करा रहे हो उसमें आप चीज़ों को एनालिसिस कर रहे हो लेकिन कंपेरेटिव पॉलिटिक्स एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों को कंपेयर कराते हैं एक ये हो गया डिफरेंस दूसरा कंपेरेटिव पॉलिटिक्स स्टडी जो है एंड कंपेयर्स डिफरेंस थ्योरीज एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द कंट्री बट ऑन द अदर हैंड कंपेरेटिव गवर्नमेंट इज़ द स्टडी एनालिसिज एंड द कम्पेरिजन ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में आप आइडियोलॉजीज उनकी प्रैक्टिस uh, उनकी थ्योरीज इन सब को आप कंपेयर करते हो लेकिन कंपेरेटिव गवर्नमेंट में जस्ट आप गवर्नमेंट को लेकर स्टडी करते हो तो ये जस्ट एक आप, आपको ओवरऑल एक आइडिया मिल गया होगा कि कंपेरेटिव पॉलिटिक्स एक ब्रोडर टर्म है और कंपेरेटिव जो गवर्नमेंट है वो थोड़ी सी नैरो टर्म है तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे मैंशन करने हैं नेक्स्ट टॉपिक इज कंपेरेटिव पॉलिटिक्स ए हिस्टोरिकल ओवरव्यू कभी भी जब आपको ऐसे वर्ड सुनाई दे कि हिस्टोरिकल ओवरव्यू तो इसका मतलब ये है कि हाउ दिस कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स या एनी मीन्स जब भी मैंने कहा कि हिस्टोरिकल ओवरव्यू तो आप लिखेंगे कि हाउ दिस पर्टिकुलर टर्म अराइज़ फ्रॉम द हिस्ट्री कैसे वो हिस्ट्री से उसका ओरिजन होता है ना तो वो इसमें हम समझें कि कंपेरेटिव पॉलिटिक्स कहाँ से अराइज़ होती है और किस तरीके से आगे बढ़ती है सो द ओरिजन ऑफ द कंपेरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स अगर हम देखें Comparative politics has a long intellectual past, going back to Aristotle and continues by the thinkers like uh, McKevley, John Locke, uh, Max Weber, Karl Marx. And the Greek philosopher Aristotle studies the constitution of the 150 state and classifies them into a uh, typology of the uh, regimes. हिज क्लासिफिकेशन वॉज प्रजेंटेड इन टर्म्स ऑफ द बोथ डिस्क्रिप्टिव एंड द नॉर्मेटिव कैटेगरी तो ओरिजन अगर हम देखें तो क्या कह रहे हैं कि कम्पेरेटिव जो पॉलिटिक्स है वो एक लार्ज इंटेलेक्चुअल पास्ट उसका रहा है ठीक है और वो अगर हम स्टार्टिंग करें तो ओरिस्टोटल से लेके बाद में लोक वेबर मैकेवली और पूरा यहाँ तक वो पूरी एक, एक थिंकर की लिस्ट है कि उन्होंने हर थिंकर ने ये कंपेरेटिव पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया है और सबसे पहले इसमें अगर एग्जाम्पल डालना हो हमें तो पॉलिटिकल जो फ़िलासफ़र थे महान फिलासफ़र अरिस्टोटल उन्होंने वन फिफ्टी स्टेट्स को स्टडी किया था उस दौरान और उन्होंने इसमें कंपेयर किया कि कहाँ पे कौन से स्टेट में कौन सा मेथड फॉलो किया जाता है कौन से में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं मतलब एक इस तरीके से उन्होंने 150 स्टेट को स्टे, स्टडी किया आप सोच के देखो अगर आराम से आप उस पर विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि 150 स्टेट को स्टडी करना और फिर एक बेहतर उन्होंने अपना जो व्यू देना तो वो कंपेरिजन करके ही तो दिया है ना सो वो रूट हमें देखता है वहाँ पर कंपेरेजिव स्टडी ऑफ द पॉलिटिक्स का और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ की उन्होंने डिस्क्रिप्टिव मैथड भी फॉलो किया और उन्होंने नॉर्मेटिव मेथड भी फ्रेंड्स आपकी बुक में ये चीज़ें नहीं है बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ ये आप ध्यान रखें कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द डिस्क्रिप्टिव प्रस्पेक्टिव एंड द नॉर्मेटिव मेथड। क्योंकि फिलासफी में भी ये आता है और फिलोसफी में बड़े बड़े लोगों के पसीने छूटते मैंने देखे हैं और फिलासफी है बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट uh, तो पॉलिटिकल मीन्स डिस्क्रिप्टिव प्रेस्क्रिप्टिव एंड नॉर्मेटिव मेथड में होता क्या है तो सिंपल सा मतलब मैं मैं आपको समझाता हूँ डिस्क्रिप्टिव अगर आप स्टडी करते हैं ना इसका मतलब है कि हाउ थिंग्स आर एंड वी कैन से दैट द डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स गिव्स द हाउ द वर्ल्ड इज एक्चुअली कोई भी चीज है डिस्क्रिप्टिव क्लेम का मतलब ही होता है या डिस्क्रिप्टिव स्टडी में सिर्फ हम चीजों को बताते हैं कि हाउ थिंग्स आर कि चीजें हैं वो कैसी हैं है ना ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है नॉर्मेटिव में क्या होता है हम उसको एक्सप्रेसिस करते हैं इवेल्युएशन करते हैं और कहते हैं कि दैट इज समथिंग इज गुड एंड समथिंग इज बैड डिस्क्रिप्टिव में मैंने क्या बताया डिस्क्रिप्टिव स्टडी में होता है कि बस चीजों को हम समझते हैं कि भाई थिंग्स ऐसी हैं हाउ थिंग्स कैसी हैं सॉरी थिंग्स कैसी हाउ थिंग्स आर तो उसमें हम ये नहीं कहते कि ये गलत है ये सही है हम कहते हैं ऐसा है भाई मामला ऐसा है अगर हमें सिंपल कहूं कि इंडियन सोसाइटी कैसी है अब मान लो आप ये कह रहे हो कि इंडियन सोसाइटी कॉम्प्लेक्स है काफी लोग यहाँ रिजिट भी हैं तो वो आप सिर्फ ये बता रहे हो कि इंडियन सोसाइटी एक्चुअल में है कैसी दैट्स इट डिस्क्रिप्टिव नॉर्मेटिव में आप ये बता रहे हो कि इंडियन सोसाइटीज में ये अच्छा है और ये बुरा है दिस इज गुड एंड दिस इज बैड अगर इस तरीके से आप पॉइंट आउट कर रहे हो दैट इज नॉर्मेटिव स्टडी तो इसका मतलब साफ समझ आ गया कि जो अरिस्टोटल हैं उन्होंने डिस्क्रिप्टिव स्टडी भी की थी नॉर्मेटिव स्टडी है ना ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ और प्रस्पेक्टिव अगर कभी भी आपको सुनाई दे तो प्रस्पेक्टिव का मतलब होता है हाउ सोसाइटीज ऑट टू बी कैसी होनी चाहिए है ना तो अगर मैं कहूं कि यार इंडियन सोसाइटी ना ऐसे होनी चाहिए जहां पे सभी लोग एक दूसरे की हेल्प करें जहां मिलजुल के रहें और यहाँ पे पॉवर्टी ख़त्म हो जाए सब अच्छे से डेवलपमेंट हो जाए इसका मतलब मैं ओ टू बी कैसा होना चाहिए ये होता है प्रेस्क्रप्ट प्रिस्क्रिप्टिव व्यूज़ तो खैर हम चलते हैं वापस कम ओरिजन ऑफ द कंपेरेटिव स्टडी ऑफ द पॉलिटिक्स तो वो मैंने पूरा आपको बताया कि एंसेंट uh, टाइम से लेके और अभी तक कंटिन्यू ये जो स्टडी है ये ऑन गोइंग प्रोसेस में है और चलती आ रही है नेक्स्ट <coughs> फ्रेंड्स जस्ट ए मिनिट लेट नाइनटीन एंड द अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी तो सबसे पहले मैंने आपको रिजन बताया और फिर हम डायरेक्ट आते हैं कि लेट नाइनटीन एंड अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी में क्या होता है सो दिस वॉज ए पीरियड वैन लिबरलिज्मी कैन से लिबरलिज्म आइडियोलॉजी इन द यूरोप एंड सम अदर यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो द ओवर वेलमिंग डोमिनेंस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स And the rest of the world of Asia, Africa, and Latin America were under European colonials. And comparative studies take up during this period. For instance, uh, uh, James Bracke uh, in his book Modern Democracy, and uh, uh, J. Frederick in his book Constitutional Government and the Democracy. एंड रोबार्टो मैके मैकेल्स पोलिटिकल्स पार्टीज दीज आर द लार्जली कंसर्न विद द कंपेरेटिव स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ द पॉवर एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट लेयर ऑफ द गर्मेंट एंड दीज ऑल आर द स्टडीज वर बेस्ड ऑन द यूरोसेंट्रिक सिंपल सी बात है इसमें आपको क्या क्या लिखना है लेट नाइनटींथ और अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी में आप लिखेंगे कि ये जो टाइम पीरियड था ये वो टाइम पीरियड था जब यूरोसेंट्रिक व्यू ज्यादा डोमिनेट कर रहा था सारे थिंकर्स फ्रेंड्स आपके जो बुक में होते हैं आपको नहीं याद रखने की जरूरत लेकिन कुछ थिंकर आप जरूर थोड़ा सा मेंशन करें क्योंकि उससे आपकी आंसर की क्वालिटी इंप्रूव होती है तो जब लेट नाइनटीन और अर्ली ट्वेंटी सेंचुरीज़ का व्यू लिखेंगे कि दैट इज़ ए यूरोसेंट्रिक व्यू था और इसमें जो यूरोप की जो इंस्टीट्यूशंस थे यूरोप के जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क था वहाँ पे जो जो प्रोसेस जो फॉलो की जाती थी उसी को ही डोमिनेंट रखा गया इस दौरान और इसमें कुछ जो थिंकर्स हैं जैसे उसमें आप ब्रैकेज़ जो हैं जेम्स ब्रैकेज उनको आप थोड़ा रेफरेंस के लिए याद रख सकते हो फ्राइड रिच को याद रख सकते हो अब इनकी जो बुकें हैं जैसे फ्राइड रिच की बुक का नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी तो अब एग्जैक्ट अगर ना भी याद रखें तो फिर भी एटलीस्ट एक बुक और एक थिंकर इस तरीके से तो आप जरूर याद रखें तो ये है लेट नाइन्टीन एंड अर्ली ट्वेंटी सेंचुरीज में जो यूरोसेंट्रिक व्यू था और इसमें उन्होंने यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस को ही बेहतर माना और हर एक को वो जब भी वो कंपेयर करा रहे थे तो यूरोपियन जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे जो फ्रेमवर्क है उसी से वो कंपेयर करा रहे थे अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड तो ये खैर यूरोसेंट्रिक होने के कारण इसका क्रिटिसिजम भी फिर होता है वो हम आगे देखेंगे तो ये यहाँ तक हुआ नेक्स्ट द दंड वर्ल्ड वॉर एंड आफ्टर so with the end of the second world war, a number of significant developments have taken place, including the decline of the european hegemony and the emergence of the united states of america in the world politics and the economy. and uh, also the, the world is divided into two ideologies, ideologies, that is the capitalism and the socialism ideologies capitalism ideology is supported by the USA and on the other hand socialism ideology is supported by the uh, uh, Soviet Union and uh, the majority of the rest of the world has liberated itself from the european imperialism and for a period after the decolonization of the nations of the development modernization nations building and the state buildings uh, also changed

जो यूरो सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल जस्ट ऊपर मैंने आपको बताया तो वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है और यू एस जो है वो इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है उस दौरान दूसरा पूरी दुनिया दो मेन आइडियोलॉजीज में डिवाइड हो जाती है कैपिटलिस्ट मॉडल और द सोशलिस्ट मॉडल कैपिटलिस्ट मॉडल जो है सिंपल है जो प्राइवेट प्लेयर्स प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को जो सपोर्ट करते हैं और ये इसको लीड कर रहा था यूएसए इस आइडियोलॉजी को और अदर जो सोशलिस्ट मॉडल है उसको ये लीड कर रहा था रशिया दैट इज़ सोवियत यूनियन तो उसी तरीके से सोसाइटी डिवाइड हो जाती है और ये वही टाइम था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब ज़्यादातर कंट्रियाँ जो है वो आज़ाद होती हैं फ्री होती हैं उसमें इंडिया भी एक नेशन था जो ऑफ कोर्स 1947 में हम इंडिपेंडेंट हमें मिलती है तो नए नए स्टेट बिल्डिंग्स हो रहे नए नए स्टेट्स फॉर्मेशन हो रही ये सारी चीज़ें होती हैं और इसी दौरान हम देखते हैं कि इंडिया जैसी कुछ अलग कंट्रीज़ भी थी जिन्होंने नॉन अलाइंड मूवमेंट को सपोर्ट किया दैट इज़ उन्होंने कहा कि नहीं ना हम कैपिटलिस्ट मॉडल को सपोर्ट करेंगे ना हम सोशलिस्ट मॉडल को सपोर्ट करेंगे हम सम हाउ बीच में चलेंगे मिस्ड इकनॉमी और वो इंडिया ने किया अभी हम न, हमने यहाँ पर कैपिटलिस्ट जो व्यू है वो भी रखा और सोशलिस्ट व्यू भी मिस सरकार बहुत सारी आप देखो इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट रन करती है और बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी भी हैं जो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में है तो इसी को बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिकल मॉडल उसी में अगर हम थोड़ा फर्दर स्टडी करें आगे दैट न्यू मूवमेंट इन द डिसिप्लिन ऑफ द पॉलिटिक्स एमिंग टू द प्रोवाइड साइंटिफिक मेथड इन द पॉलिटिक्स नोन एज द बिहेवियरल मूवमेंट तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही अगर हम देखें जो मैंने अभी पॉइंट्स बताए उसके बाद अगर हम समझें तो एक न्यू मूवमेंट भी अराइज़ होता है पॉलिटिक्स में जिसका नाम ही है बिहेवियर बिहेवियल मूवमेंट फ्रेंड्स इसमें फ्रेंड्स स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पजल होते हैं लेकिन आपको ये टर्म्स बिल्कुल आनी चाहिए है ना तो कि बिहेवियरल जो मूवमेंट है ये क्या है तो बिहेवियरल मूवमेंट स्टडी करता है दैट वाई पीपल पीपल बिहेव पॉलिटिकली एज दे डू एंड वाई एज ए रिजल्ट पोलिटिकल प्रोसेस द सिस्टम फंक्शन इज एज दे डू सिंपल सी बात है बिहेवियर बिहेवियरल uh, जो मूवमेंट है ये साइंटिफिकली स्टडी की बात करता है मीन्स फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि जो पॉलिटिक्स को जो कंपेरिजन किया गया वो उसमें साइंटिफिक मैथड्स को लाया गया है ना तो बिहेवियरल है नाम से थोड़ा सा इसमें आप पजल हो सकते हैं लेकिन आप ध्यान से समझेंगे तो आप पाएंगे कि किसी बिहेवियर को कौन इंसान कैसे सोचता है कोई पर्टिकुलर इसी तरीके से क्यों सोचता है ऐसे जो ह्यूमन साइकोलॉजी को हम स्टडी करते हैं तो वो साइंटिफिक मेथड ही है है ना तो एक न्यू मूवमेंट अराइज होता है पॉलिटिक्स में जो साइंटिफिक मेथड ऑफ पॉलिटिक्स की बात करता है उसी को बोलते हैं बिहेवियरल मूवमेंट और इन्होंने पीपल्स के बिहेवियर को उनके अलग अलग व्यूज़ को स्टडी किया और उसको एसोसिएट किया फिर पॉलिटिक्स से इसके अलावा अगर हम बात करें कि जैसे गैब्रियल आलमंड एंड हिज़ कलिग्स इन द अमेरिकन सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल कमेटी का तो उन्होंने भी कम्पेरेटिव जो पॉलिटिक्स की स्टडी की तो उसमें उन्होंने कुछ ऐसे मेथड्स बताए उन्होंने कुछ ऐसे साइंटिफिक कुछ ऐसी थ्योरीज दी जिसके तहत हम कंपेरेटिव जो पॉलिटिक्स है उसको साइंटिफिकली अब स्टडी कर पाए तो ये सारी चीज़ें इस दौरान होती हैं एंड वन अदर इम्पोर्टेंट थिंकर विराडा तो वो क्या है डिस्क्राइब दैट इट वॉज ड्यूरिंग द पीरियड दैट सम ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव एंड एक्साइटिंग थियोरिटिकल एंड कंसेप्चुअल अप्रोचेज वर एडवास्ड इन द फील्ड ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स तो वो कह रहे हैं विराडा जो थिंकर हैं वो ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वही टाइम पीरियड था जो बहुत सारी इनोवेशन होती है नए नए अप्रोचेज निकल के आती हैं नए नई एडवांसमेंट होती है कॉम्पेटिव पॉलिटिक्स की थ्योरीज में अलग अलग व्यूज़ जनरेट होते हैं ये ये बहुत सारी चीज़ें उस दौरान देखने को हमें मिलती हैं और यूनिवर्सलिस्टिक जो मॉडल है उसको डेविड एस्टन प्रोवाइड करते हैं इसके अलावा वो कहते हैं कि एक देखो आप एक चीज़ तो ध्यान आपको रखना होगा कि पोस्ट बिहेवियरिकल जो मैंने आपको मॉडल बताया साइंटिफिकली जो मेथड है पॉलिटिकल स्टडी का उसी को ही डेविड ईस्टन ने यूनिवरलिस्टिक मॉडल बोला है तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो एक चीज़ आप ज़रूर समझो कि ये एक यूनिवर्सलिस्टिक मॉडल का मतलब ही क्या है साइंस है फ्रेंड्स जो x प्लस वाई का होल स्केयर मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं हम वो ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में वो अलग फॉर्मूला है चाइना में अलग है और अमेरिका में अलग ऐसा तो नहीं है ना तो इन द सेम वे जब आप बिहेवियरल स्टडी करते हो जब आप साइंटिफिकली मेथड को फॉलो करते हो तो ऑफकोर्स वो सम हाउ यूनिवर्सलिस्टिक मॉडल में तब्दील हो जाता है तो वही डेविड एस्टिन ने यहाँ पे बोला है और इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो यूएस फॉरन पॉलिसी है वो डोमिनेट करती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और कुछ वेरियस प्रोजेक्ट भी वो चलाते हैं जैसे दैट इज़ हिमालयन प्रोजेक्ट इन इंडिया एंड द uh, प्रोजेक्ट कैमलोट इन द लेटिन अमेरिका मीन्स हिमालयन प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि ये जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है इनको स्टडी करना कि यहाँ पर पोलिटिक्स किस तरीके से वर्क करती है चाइना किस तरीके से वर्क कर रहा है इंडिया किस तरीके से तो उसी को इन्होंने पूरा हिमालयन प्रोजेक्ट के रूप में स्टडी किया था तो ये जो पूरा एक मैंने आपको पैटर्न बताई सारा का सारा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसके बाद क्या क्या उसमें होता है तो उसमें गैबरल आलमंड का व्यू मैंने बताया जो अदर अमेरिकन स्कॉलर्स के साथ मिलके कमेटी फॉर्म करते हैं जिसमें साइंटिफिकली मेथड पे वो जोर देते हैं इसके अलावा डेविड ईस्टर्न का यूनिवर्सलिस्टिक मॉडल मैंने बताया विराडा का मैंने आपको डिस्क्राइब किया और जो बिहेवरिकल स्टडीज़ जो मेथड वो सब मैंने पॉइंट आउट किए तो ये सारी चीज़ें आपको मैंशन करनी हैं ठीक है अब चलते हैं फ्रेंड्स uh, कि व्हाट इज अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बिहेवरिकल एंड पोस्ट बिहेवियल अप्रोच ऑफ द पॉलिटिकल साइंस तो बिहेवियल अप्रोच में तो जो मैंने आपको चीजें बताई वो सारी आपको वहां पे मेंशन करनी है

सो फ्रेंड्स द पोस्ट बिहेवरिकल अप्रोच इज डेवलप्ड आफ्टर द विटनेसिंग द लूप हॉल्स ऑफ द बिहेवरिकल अप्रोच देखो आपने भी सोचा होगा अभी जो मैंने ऊपर जो बिहेवियकल अप्रोच के बारे में बताई तो आप खुद सोच के देखो क्या आप एक ही तरीके से मैथड मीन्स आप ह्यूमन सोसाइटी या पोलिटिकल जो सिस्टम है क्या आप उसको एक यूनिवर्सल लेवल पर अप्लाई कर सकते हैं मीस अमेरिकन जो मॉडल है क्या वो पूरी दुनिया में अप्लाई हो जाएगा भाई नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे यहाँ पे डिफरेंट कल्चर हैं डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ हैं डिफरेंट लोगों की थिंकिंग है डिफरेंट ओपिनियन है अलग अलग ज्योग्राफिकल भी बहुत कंडीशंस हैं ठीक है तो बहुत सारी चीज़ें हैं तो यूनिवर्सलिस्टिक आप उसमें साइंस साइंस की लैंग्वेज में आप स्टडी बिहेवियर को नहीं कर सकते मालूम मानूम कहूँ कि अमेरिकन जो सोचते हैं वैसा ही सर पूरी दुनिया सोचती है ऐसा ज़रूरी तो नहीं है भाई है ना तो यही लूप होल था और उसी से निकल के आए पोस्ट बिहेवियकल अप्रोच तो इसमें क्या है द पोस्ट बिहेवियकल अप्रोच का मतलब ही है दैट इट डेवलप्ड आफ्टर द विटनेसिंग द लूप होल्स एंड द ड्रॉबैक ऑफ द बिहेवियकल अप्रोच एंड कंसिडरिंग द पॉपुलरिटी ऑफ द नाइनटीन फोर्टीज बिहेवरिकल अप्रोच हैज़ बीन वन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट अप्रोच इन द पोलिटिकल साइंस बट इन द नाइनटीन सेवनटीज दिज आर जनरली डिस विद द अचीवमेंट ऑफ बिहेवियरिस्टिक एज द फेल्ड टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इन द सोसाइटी And it leads to be the emergence of uh, post-behavioral approach. And David Easton, who as one time, was previously beha uh, behavioralistic, he criticized this particular theory. Ko. And uh, post-behavioral approach is both a movement and academic tendency. And it is a future-oriented approach which wants to be solve problem for both present and the future. And to this approach, the study of political science should be the importance on the social changes and other uh, relate uh, realities like the social change values and politics also be the uh, part of their studies and uh, they also consider some other important features like uh, uh,

स्टडी uh, अगर आपको करना है तो आपको प्रजे आपको सिर्फ़ अभी जो प्रजेंट पे फोकस ना करके फ्यूचर ओरिएंटेड व्यू भी आपको जनरेट करना होगा इसके साथ साथ आपको सोशल चेंजेस सोशल जो अलग एस्पेक्ट हैं उनको भी स्टडी करना होगा और तब आप फ्लेक्सिबल हो के आप चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं और इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया एक यूनिवर्सलिस्टिक मॉडल जो दिया था आ, बिहेवरिकल अप्रोच वालों ने उसको इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया और डेविड ईस्टर्न वो कहते हैं कि हमें ह्यूमन वैल्यूज़ पे भी ज़्यादा जोर देना होगा फ़्यूचर ओरिएंटेड हमारा व्यू रखना होगा इसके अलावा हमें वैल्यूज़ को सोशल नॉर्म्स सोशल जो कल्चर है उन सबको भी स्टडी करना होगा बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हमें अपनानी होंगी जिससे कि हम फाइनली एक बेहतर रिलेशनशिप एस्टाब्लिस कर पाएँ तो ये पूरा आपको लिखना है पोस्ट बिहेवियरिकल एंड द बिहेवरिकल uh, ये फ्रेंड्स uh, दस नंबर बीस नंबर है जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं उसमें ये पूछ सकते हैं कि वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बिहेवियकल एंड पोस्ट बिहेवरिकल अप्रोच और उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स गलती करते हैं क्योंकि वो अंडरस्टैंड ही नहीं करते हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है फ्रेंड्स कि लोग पढ़ते नहीं अच्छे से ठीक है तो थोड़ा अच्छे से स्टडी करो और बेहतर तरीके से आपको उसको फिर uh, लेके चलना है नेक्स्ट टॉपिक है द नाइनटीन सेवनटीज़ एंड द चैलेंजेस ऑफ डेवलपमेंट डेवलपमेंटलिज्म तो हम धीरे धीरे चलते आ रहे हैं कि पहले हमने देखा बिल्कुल ओरिजिन फिर नाइनटीन सेंचुरी uh, में आगे फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और अब है नाइनटीन सेवेंटीज़ और उसके बाद क्या होता है वो हम देखेंगे इसमें तो देखो क्या है कि टुवर्ड्स द नाइनटीन सेवनटीज द डेवलपमेंटलिज्म केम टू बी द द्रिटिज द फेवरिंग सिंगल यूनिवर्स लाइक फ्रेमवर्क एंड दिस क्रिटिसिज्म इम्फेसाइज द Uh, Ethnocentrism uh, of this model and focused on the third world. And the two main challenges of the developmentalism, which across the early 1970s, uh, are the dependency and uh, corporatism. Dependency theory criticized the dominant model of the uh, Europe and cor uh, corporatism theories uh, in which uh, थिंकर्स क्रिटिसाइज द यू एस फॉरन पॉलिसीज एंड द मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस मॉडल तो नाइनटीन सेवेंटीज़ और इसमें इस क्या होता है फ्रेंड्स कि नाइनटीन के आसपास एक न्यू अप्रोच डेवलप होती है जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंटलिज्म अब ये बड़े बड़े नाम से मतलब याद रटना नहीं है सिंपल है डेवलपमेंट और उसी में उस थ्योरी को बोलते हैं तो वो थ्योरी के रूप में आएगा तो डेवलपमेंटलिज्म बन जाएगा तो उसमें क्या है कि इन्होंने जो बिहेवियरल स्टडी हमने देखा था सो so समहाउ ये पोस्ट बिहेवियर वाले से ही टच में है तो ये ये कहते हैं कि जो आपका यूरोपियन सेंट्रिक जो व्यू है आप उसको थोप नहीं सकते बल्कि यूरोपियन सेंट्रिक व्यू से हमें फोकस करना होगा इथ्नो सेंट्रिक व्यू पे है ना तो इतनो सेंट्रिक व्यू आप ध्यान रखें कि सेंट्रिक व्यू का मतलब भी है कि अब आपको जो थर्ड वर्ल्ड है थर्ड वर्ल्ड वो कंट्रीज होती हैं जैसे इंडिया अफ्रीकन कंट्रीज अंडर डेवलप कंट्रीज तो उनमें क्या एथेनिसिटी है क्या वहां पे कल्चर्स है किस तरीके का वहां पे लाइफ है आप इन सब को भी आपको स्टडी करना होगा और इन्होंने स्पेशली दो चीजों को चैलेंज माना इन्होंने कहा कि जब तक हम बेहतर तरीके से स्टडी नहीं कर सकते जब तक कि ये दो प्रॉब्लम दूर नहीं हो जाती एक तो डिपेंडेंसी उन्होंने बोला और एक कारपेटिज़म कॉरपेटिज़म का मतलब ही है कि मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं यूरोपियन जो हैज़मैनी है वो पूरी दुनिया में अपना मॉडल एस्टाब्लिश करना चाहता था अफकोर्स उस दौरान हमने देखा भी कोल्ड वॉर के दौरान पूरा यही था और उन्होंने कहा कि डिपेंडेंसी कि हर चीज़ में हम डिपेंड हैं अमेरिकन और यूरोपियन पे जैसे कोई स्टडी हो साइंस जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है रिसर्च है तो उन्होंने कहा कि इस डिपेंडेंसी को हमें रिमूव करना होगा और जो ये कॉरपेटिज्म जो मॉडल है इसको हमें हटाना होगा है ना और ये कैसे हटा सकते हैं वो हम हटा सकते हैं एथेनोसेंटरिज्म व्यू को अपना करके मीन्स जब डिफरेंट स्टडीज़ डिफरेंट सोसाइटीज़ को हम स्टडी करें उनकी एथेनिसिटी उनकी वैल्यूज़ उनके कल्चर और उनके अलग अलग एरियाज़ जोग्राफ़ी तभी हम बेहतर तरीके से कंपेरिजन कर पाएंगे तो ये पूरा व्यू ये पूरा एक मोमेंट अराइज़ होता है ड्यूरिंग द नाइनटीन सेवेंटीज़ आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्क आपको ध्यान रखना हो तो एंड्र्यू फ्रेंक का आप नाम ला डाल सकते हैं वोल्टर रोडनी और इसके अलावा जैसे कार्ल्ड uh, वैली ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स थे जिन्होंने इस uh, इन सब चीजों को पॉइंट uh, आउट किया नेक्स्ट है द नाइनटीन ऐटीज द रिटर्न ऑफ द स्टेट इसमें क्या है कि ड्यूरिंग द नाइनटीन सेवनटीज और अगर एटीज में हम देखें तो स्टिल रिफ, रिफ्लेक्टिंग द सम ड्रॉबैक ऑफ द डेवलपमेंटलिज्म एंड द नंबर ऑफ थ्योरीज एंड सब्जेक्ट मैटर इमर्ज इन द फील्ड ऑफ कम्पेरेटिव पॉलिटिक्स and these include the eurocentric uh, view indigenous concept of the changes transition of democracy the politics of the structural adjustment neoliberalism privatization these are the things and while some scholars see the development as undermining and breaking the unit of the fields uh, which are being dominated by the uh, developmentalisms method इसमें आपको समझना ये है फ्रेंड्स देखो आपको एक और चीज मैं बता दूं इगडू दू के मटेरियल से ना कई स्टूडेंट्स बहुत घबराते हैं लेकिन फ्रेंड्स इग्नू का मटेरियल है सच में बहुत अच्छा क्योंकि वो एक फ्लो में चलता है जस्ट फ्लो लाइक ए रिवर एक प्रॉपर सीक्वेंस में इग्नू का मटेरियल चलता है तो ऊपर जैसे अभी हमने जो मैंने आपको बताया अभी जो जस्ट ये जो पॉइंट आउट किया मैंने जस्ट अ मिनट ये नाइनटी सेवेंटीज एंड द डेवलपमेंट जो मॉडल है तो उसी को उसमें कुछ कमियां रही होंगी उसी के बाद ये 1980s में द रिटर्न ऑफ द स्टेट का जो कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है तो इस तरीके से आपको लिंक में चलना है बिल्कुल तो इसमें है क्या इसमें यही है कि इन्होंने यही कहा कि नहीं जो आप फील्ड कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की जो आप स्टडी करते हैं ना तो उसमें इन्होंने डेवलपमेंटिज्म जो मॉडल था जिससे पहले जस्ट हमने देखा उसमें कुछ हल्की सी कमी ये अराइज करते हैं ये कहते हैं कि नहीं उसके साथ साथ हमें ब्यूरोक्रेसी को भी समझना होगा इसके अलावा इंडिजीनियस कॉन्सेप्ट इंडिजीस मतलब जो बिल्कुल ट्राइबल पीपल हैं क्योंकि उस दौरान ऐसे कुछ मूवमेंट भी अराइज़ हो रहे थे अमेरिका और इन सब में इसके अलावा फेज ट्रांजिशन ऑफ द डेमोक्रेसी की कैसे डेमोक्रेसी समय के साथ बदल रही है इन सब चीज़ों को भी कुछ प्राइवेटाइजेशन न्यू लिबरलिज्म कॉन्सेप्ट इमर्ज हो रहा था धीरे धीरे तो उन सब को भी स्टडी करने की इन्होंने बात की और इन्होंने कहा कि जो स्कॉलर्स थे इन्होंने फोकस किया दैट यूनिटी जो है फील्ड में अभी क्या था हमने देखा कि डेवलपमेंटलिज्म कॉन्सेप्ट में जो उन्होंने थ्योरीज दी उसमें यूनिटी कहीं पे हमें रिफ्लेक्ट नहीं हुई ठीक है लेकिन यहाँ पे वो उस यूनिटी को भी साथ लेके चलना चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि जो हमें हेल्दी डाइवर्सिटी मीन्स डाइवर्सिटी को हमें हेल्दी uh, मानना होगा अल्टरनेटिव अप्रोच भी देने होंगी न्यू सब्जेक्ट एरियाज़ न्यू प्रॉब्लम्स को भी स्टडी करना होगा तो जो पहले वाला था उससे जस्ट थोड़ा सा वैल्यू एडिशन में इन्होंने कुछ चीज़ें की हैं और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो थिंकर हैं वो आपका डोनल इसके अलावा ये राल्फ मेली बैंड रियली इसका ज़रूर आप ध्यान रखें फ्रेंड्स राल्फ मेली बैंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं तो उसको आप जरूर यहाँ पे मेंशन करें फिर हम चलते हैं फ्रेंड्स द लेट ट्वेंटी सेंचुरी ग्लोबलाइजेशन एंड एमरजिंग ट्रेंड इसमें क्या होता है ये वही टाइम पीरियड था जब एल रिफॉर्म्स आते हैं सबसे पहला दूसरी चीज़ सोवियत का डिसंटीग्रेशन हो जाता है तो ये सब जो चीज़ें हैं ये जो टाइम पीरियड है द लेट ट्वेंटी सेंचुरीज़ का ये क्या है ये एक अलग ही व्यू प्रोवाइड करता है सोसाइटी को और इसमें क्या है दैट वी सी ए न्यू एम्फेसिस ऑन द मोर कल्चरल स्पेसिफिक स्टडीज होना स्टार्ट हो जाता है दैट इज इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज एंड द इस्लामिक कंट्रीज के बीच कल्चर स्टडी करना इसके अलावा नेशन स्पेसिफिक स्टडी दैट इज इंग्लैंड एंड इंडिया इवन इंस्टीट्यूशनल स्पेसिफिक कंट्रीज लाइक इंडिया अंडर ए स्पेसिफिक रिजाइम तो सिंपल है कि दे फोकस ऑन द ग्रांड सिस्टम्स एंड मॉडल बिल्डिंग जो मेथड्स है वो डिमिनाइज होने लगता है है ना सिंपल सी अगर हम बात करूं तो इसमें मेन जो सेंटर मैंने आपको क्या बताया है कि ये इस इस पर्टिकुलर टाइम पे मोर कल्चर स्पेसिफिक स्टडीज़ पे जोर दिया जाता है और उसमें कंपैरिजन किया जाता है कि जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज और इस्लामिक कंट्रीज बिल्कुल ही अलग कल्चर है आपको पता ही है फिर नेशन स्पेसिफिक कंट्रीज हम देखें तो जैसे इंडिया को अदर किसी कंट्री से कंपेयर किया जा रहा है इंस्टीट्यूशनल वाइज अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि इंडिया में ही अगर हम समझें तो किसी कुछ जगह पे कम्युनिस्ट पार्टी रूल कर रही थी कुछ जगह पे डेमोक्रेटिक सॉरी डेमोक्रेटिक कह रहा हूँ सेंटर जो मींस uh, बीजेपी या इस तरीके से पार्टीज रूल कर रही थी अलग अलग रीजनल प्लेयर uh, प्ले इमर्ज होके आ रहे थे है ना तो ये है कि स्केलिंग डाउन ऑफ द सिस्टम का मतलब ही है यहाँ पे कि ये जो टाइम पीरियड है इसमें वाइडिंग रेंज ऑफ कंट्रीज़ को हम इंक्लूड करते हैं उनकी केस स्टडीज़ करते हैं और वहाँ पे कल्चर और इन सब चीज़ों को भी हम जोर देते हुए जो एक पहले ग्रांड नैरेटिव हमने सेट किया था उसको हम डिमिनाइज़ करने की कोशिश करते हैं और बहुत ही नैरो वे में चीज़ों को मीन्स सॉरी बारीक से बहुत ही uh, महीम बहुत ही छोटी, छोटी छोटी चीज़ों को भी हम एनालिसिस करना स्टार्ट कर देते हैं इसी में ही क्योंकि ये पूरा टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है इसी में ही मीन्स एक तो मैंने बताया ये पूरा पहला जो है स्केलिंग डाउन ऑफ सिस्टम है उसमें कल्चर ओरिएंटेड जो व्यू देखा उसके बाद है कि यही वो टाइम पीरियड है जब नई नई सिविल सोसाइटीज़ भी इमर्ज होती हैं और सिविल सोसाइटीज़ जो हैं आपको पता है क्योंकि जब मैंने कहा कि सोवियत यूनियन का डिस हो जाता है और जो लिबरल आइडियोलॉजी है कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो प्रिवेल करने लग जाती है पूरी दुनिया में उसी के बाद ग्लोबलाइजेशन जो है दौर स्टार्ट होता है फिर आपको पता है ग्लोबलाइजेशन जब स्टार्ट होगा तो एक इंटरनेट भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी जो है जीत जाती है जब क्योंकि ये सारी चीज़ें यूरोप में होती हैं तो वहीं से ही सबसे पहले सिविल सोसाइटीज़ जो हैं जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एन सिविल सोसाइटीज़ ह्यूमन राइट के मूवमेंट्स जो हैं वो सब भी स्टार्ट हो जाते हैं तो वो अब धीरे धीरे वहाँ पे इन्वायरमेंट की बात हो गई जेंडर उनके एथेनिसिटी रेस इन सब चीज़ों को भी स्टडी करना स्टार्ट कर दिया जो कि पहले नहीं था पहले कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में हम जेंडर इन्वायरमेंट इन सब को स्टडी नहीं कर रहे थे लेकिन ये जो अभी जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है इसमें लेट ट्वेंटी सेंचुरी ग्लोबलाइजेशन और स्पेशली मैंने कहा कि सोवियत यूनियन डिस होने के बाद कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो पूरी दुनिया में फैली तो उसके बाद कल्चरल पार्ट को भी स्टडी किया गया ये पूरा फर्स्ट इसमें मैंने बताया और इसके अलावा जो यहाँ पर हमने बात की कि वो है कि जेंडर हुआ इन्वायरमेंट हुआ इन सब चीज़ों की भी स्टडी की गई तो ये सारे आपको पॉइंट आउट मेंशन करने हैं और इससे एक और चीज़ फ्रेंड्स जैसे आपको जो नोट्स अगर चाहिए क्योंकि इग्नू का मेटेरियल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है तो जो जैसे लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सेम उसी वे में आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या मेल पे तो टेन रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे ठीक है तो जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ पता है जो लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो उनके लिए मीन्स बता रहा हूँ कि जो भी लेक्चर मैं प्रोवाइड करता हूँ अपने चैनल पर तो आप उससे रिलेटेड नोट्स भी मैं आपको देता हूँ तो जो इंटरेस्टेड है तो वो ले सकता है और जो खुद से अगर बनाने हैं तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं आप खुद से भी बना सकते हैं नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन कलेक्शन एंड डिफ्यूज़न उसी में ही अगर हम बात करें कि वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट जो है उससे रिलेटेड है ये कि एक जगह पे जो कई घटना होती है पूरी दुनिया में पता लग लग जाती है हमारे पास बेहतर रिसोर्स हैं अब इंटरनेट है पूरा तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये ट्वेंटी uh, सेंचुरीज़ का जो मैंने आपको बताया कि द लेट ट्वेंटी सेंचुरी ग्लोबलाइजेशन एंड एमरजिंग ट्रेंड्स उसमें ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैंशन करनी है फ्रेंड्स और नेक्स्ट इज अ फ्रेंड्स कंपेरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स यूटिलिटी कि मीन्स क्या इसकी क्या यूटिलिटी है क्या इसका मींस आप इसको किस रूप में आप समझ सकते हैं कि कंपेरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स को हम कंक्लूड यहाँ पे कर रहे हैं कि उसकी उपयोगिता क्या है तो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स कि कंपेरेटिव स्टडी जो है इज़ टू नो हाउ कंपेरेटिव स्टडी हेल्प्स टू अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड तो बिल्कुल सही है कि इससे हम रियलिटी हमें समझ आती है हम अलग अलग एक प्रॉपर फ़ाइनल किसी बेहतर कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि किस तरीके से सोसाइटी किस तरीके से गवर्नमेंट वर्क करती है और उसी में यहाँ पे अगर हम बात करें कि कंपैरिजन जो होता है तो वो साउंड होना चाहिए वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होना चाहिए ना कि बाइसड होना चाहिए बस इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि कंपेरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स को हमें अगर यूटिलिटी उसकी बढ़ानी है तो हमें वो ज़्यादा साउंड ज़्यादा रैशनल हमारी स्टडी होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि हम कहें कि नहीं हमारा मैथड ठीक है यूरोपियन मैथड गलत है या अरब वर्ल्ड जो कंट्रीज़ फॉलो करती हैं वो गलत है नहीं हमारा रैशनल ज़्यादा तार्किक ज़्यादा हमारा साउंड और इन सब चीज़ों पर अगर स्टडी होगी तो वो ज़्यादा बेहतर होगी फिर उसमें कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं दैट कम्पेरिजिंग द थ्योरेटिकल थेरेटिकल फॉर्मुलेशनस इसमें क्या है कि इट मींस द एनालिसिस ऑन द थ्योरी बिल्डिंग एंड थ्योरी टेस्टिंग कि थ्योरी आप बिल्ड करें जैसे अलग अलग थ्योरी कैसे बिल्ड होती हैं और कैसे फिर वो थ्योरी सर्वाइव कर रही हैं जैसे चाइना एक अलग ही थ्योरी ले चल रहा है।, है ना वन पार्टी और कैसे फिर वहाँ पर चाइना डेवलप कर रहा है सेम यूरोपियन मॉडल जो है अभी क्या वो सही तरीके से वर्क कर रहा है या उसमें भी लूप होल्स हैं तो सिंपल है थ्योरीज कैसे डेवलप करती हैं कैसे बिल्ड करती हैं और कैसे फिर उसको हम टेस्ट करें तो थ्योरी बिल्डिंग एंड थ्योरी टेस्टिंग ये हमारा फोकस होना चाहिए और जब भी हम स्टडी करें तो इसी फिनोमिना पे करें हम ठीक है कि अलग अलग थ्योरीज़ को हम उनके ओरिजन को समझें और उनको टेस्ट करें कि दे आर स्टिल यूजफुल इन द करंट टाइम और द नोट तो कंपेरिजन फॉर द थ्योरेटिकल फॉर्मूलेशन नेक्स्ट है कंपैरिजन फॉर साइंटिफिक रिग्यूर्स इसका मतलब ये है आवर फोकस ऑन मोर रैशनल मोर साइंटिफिक एंड अनबाइज हमारा होना चाहिए ठीक है तभी हम बेहतर तरीके से सोशल जो सोसाइटीज़ है सोशल जो फिनोमिना है उसको हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे एंड द नेक्स्ट वन इज द कंपेरिजन लीडिंग ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिलेशनशिप विच मीन्स दैट द आवर ओन सिस्टम एंड belief इन द लाइट ऑफ न्यू एविडेंस एंड argument कि हमें सिर्फ दूसरों को स्टडी नहीं करना है हमारी खुद के अंदर भी हमें बेहतर हमेशा प्रयास करने होंगे हमें खुद से नए नए argument करने होंगे खुद के जो belief हैं खुद का जो सिस्टम है उन सब को भी हमें questioning करना होगा तब हम और बेहतर तरीके से कंपेरिजन कर पाएंगे सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर और अगर आपको नोट्स चाहिए तो दैन यू कैन सेंड बी द मैसेज एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैव ए गुड डे